नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम 69,000 आया है और 69,000 की जो भर्ती होनी है, इस संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं। जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है उसमें जो अप्रत्याशित रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, वास्तव में ये एक आश्चर्य है। सामान्य रूप से ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जो TET की परीक्षा, जिसमें 5 विषय होते हैं, उसको पास बमुश्किल पास कर पाता है, किसी भी तरीके से पास कर लेता है। अगर वो OBC कैंडिडेट है तो बमुश्किल वो 82 नंबर पार कर लेता है 150 में, और अगर सामान्य कैंडिडेट है तो वो बमुश्किल 90 नंबर पार कर पाता है। वही कैंडिडेट जब 1 महीना या 1 महीना 10 दिन बाद दूसरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उस परीक्षा में 14 विषय होते हैं, उसके लिए मात्र 1 महीना 10 दिन का समय मिला, और वही कैंडिडेट जो किसी तरह से 82 नंबर और 91 नंबर पाया, 82 नंबर और 90 नंबर क्रॉस कर पाया, वही 140, 141 और 149 नंबर पा रहा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि तीन तीन सगे भाई बहन, जिसमें संख्या ये दो तीन ऐसे ग्रुप है जिनमें तीन तीन भाई बहन 130, 131 इस तरीके से नंबर ला रहे हैं, ये जांच का विषय है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार को इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से समझना चाहिए कि मेहनत करने वाले लड़के निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और अंतिम रूप से इसी कारण, करप्शन के कारण, किसी तरह से चीटिंग के कारण, जो बिल्कुल योग्य नहीं वो आगे आ जाते हैं, और वो जो मेहनत करते हैं और योग्यता के पैमाने पर पूरी कसौटी के साथ मेहनत करते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। सरकार के साथ भी बहुत असंतोष होता है, और वर्तमान सरकार जो है योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रतिबद्ध भी है। ऐसी स्थिति में हम ये सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस परीक्षा में जो अप्रत्याशित पाए जो रिजल्ट आए हैं उनकी पुनः जांच करवाए, या जो सेंटर हैं, आप देखते हैं रोल नंबर क्रम से लगे हुए हैं ऐसे लोगों के, इन सेंटर्स की पुनः परीक्षा आयोजित करवाए, CCTV कैमरे की निगरानी में करवाए, या फिर जो है इनका आयोग में बुलाकर आयोग के परीक्षा कक्ष में इनका परीक्षा लिया जाए। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत निराशा है मेहनत करने वाले बच्चों में। हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं बच्चे। बहुत सारे लोग नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है जो गरीब परिवारों से आते हैं, BEd BTC करने के लिए 1-1, 2-2 लाख रुपये खर्च करते हैं, उसके बाद कोचिंगें करते हैं, उसमें भी तमाम पैसा खर्च करते हैं, रहने का तमाम पैसा, खाना खर्चा सब व्यवस्था करते हैं, माँ बाप से अलग रहते हैं। ऐसे लोग जब किसी करप्शन के कारण अगर नौकरी नहीं पाते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सरकार से हमारी पुनः अपील है कि सरकार इसकी जांच जरूर करवाए। अगर 1 महीने बाद भी रिजल्ट मिल जाएगा, नियुक्ति दे दी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने बाद हो जाएगा। इतने दिन से टलता चला आया, मुकदमा न्यायालय में था, न्यायालय के बाद निर्णय आया है, तो 1-1.5 महीना और डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योग्य लोग जाएं, जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है, और सरकार की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इस चूक को तभी सुधारा जा सकता है जब इसकी जांच कराई जाए। अगर 120 नंबर से 125 नंबर 100
20 नंबर से ऊपर पाने वाले लोगों की पुनः परीक्षा कराई जाए। ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, तो सरकार से और तमाम मीडिया से मैं अपील करता हूँ कि इसकी पुनः जांच करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, जिससे योग्य लोगों को नौकरी मिले। और अगर योग्य लोग नौकरी में जाएंगे तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर बनेगी, जिससे हमारा देश समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा। हम अपने संस्थान की तरफ से अपील करते हैं, हम सारे अध्यापकगण अपील करते हैं कि ये प्रक्रिया अपनाने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, इन लोगों की जांच कराई जाए। ये लिस्टिंग है, तमाम सोशल साइट्स पे लिस्टिंग चल रही, सारे लोगों के नंबर हैं, रोल नंबर दिए गए हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं, उनके माँ बाप के नंबर दिए गए हैं, उनके TET के अंक भी मिलाए जाएं, ये ज़रूरी है। तो प्रयास करिए, सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे, जिससे सरकार जो है इस पर कोई सकारात्मक निर्णय ले। धन्यवाद। जय हिंद।